सो हेलो गाइस, नमस्ते, वेलकम टू अनदर ब्लॉग। तो स्वागत है आपका एक और नए ब्लॉग में। तो डेली ब्लॉग के एपिसोड जितने तुमने देखे वो ख़त्म हो चुके हैं, क्योंकि जब हम बनिहाल में थे तो वहाँ पर डेली एपिसोड चल रहे थे। तो अभी अब उन लोग अपने इलाके में वापस आ चुके हैं। सॉरी इसका मैं ब्लॉग शूट नहीं कर पाया, क्योंकि बहुत ज़्यादा थक हार के मैं यहाँ तक पहुँचा था, क्योंकि सफ़र में बहुत गंदी हालत हो चुकी थी हमारे। तो आज का ब्लॉग शुरू करते हैं। तो आज का ब्लॉग होने वाला एकदम खतरनाक तरीके का, क्योंकि आज हम लोग जा रहे वाले हैं देखने डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ द मैडनेस। इन द मैडनेस क्या ऑफ द मैडनेस मुझे इतना खास मालूम नहीं है, लेकिन हम लोग जाने देखने वाले हैं भाई, एकदम मज़ा आने वाला है, कितने जहर वाला। तो अभी मैं जा रहा हूँ अपने दोस्त के घर, तो पहले जाते हैं उसको पिकअप करते हैं, उसी की बाइक लेके जाते हैं, फिर तुम लोगों के साथ थिएटर में मिलेंगे। अब जब एंट्री का टाइम होगा, दुआ करते हैं कि हमें सीट मिले, क्योंकि आज फर्स्ट डे फर्स्ट शो होने वाला है, तो वो बहुत कम चांस है कि सीट मिले हमको। तो भाई अभी अपन लोग यहाँ पे आए थे, तेल भराया, 500 का नोट दिया ने भाई साहब ने, 100 का तेल भराया, 100 का तेल भराने के बाद इन्होंने बकाया नहीं लिया भाई 400 से, आगे चल के तो फिर मुड़ के आए। ऐसे लोग रहते हैं हमारे साथ भाई, क्या ही बताएं। तो वहाँ पे ट्रांसफर हो चुके हैं हम लोग यहाँ पे बाल्टीमोर के अंदर, आगे तुम लोग देख सकते हो हम वहाँ पे, हमारे भी टिकट्स बुक हो रही है। टिकट्स बुक करने के बाद शायद हमें टिकट्स मिल जाए, तो लकीली तो हम लोग जाके सीधा थिएटर के अंदर मिलते हैं। तुम लोग को बस हेलमेट छोड़ना पड़ेगा, हम लोग को ना कहीं फेंकना पड़ेगा सबसे जाने के लिए, क्योंकि हम मूवी देखेंगे अंदर लाउट ये सब कुछ नहीं होता है, पता नहीं क्यों नहीं होता, सर्रा फोड़ सके शायद। तो उससे जा जाते हैं अंदर, फिर तुम लोगों से मिलते हैं भाई, बहुत क्रेजी एक्सपीरियंस होने वाला है चीज़। तो हाँ भाई, तो टिकट हमारी फाइनली बुक हो चुकी है लकीली, तो अभी ये हेलमेट हमको वापस बाइक पे ही फेंक के जाना पड़ेगा, बाइक में फेंक के जाना पड़ेगा इसको, तो इसको छोड़ के अपन लोग आते हैं, उसके बाद फिर थिएटर के अंदर घुसते हैं, फिर तुम लोगों से मिलते हैं भाई, क्रेजी सीन होने वाले हैं। तो हाँ भाई, तो एंटर हो चुके हैं अपन लोग अभी थिएटर के अंदर, थिएटर के अंदर बैठे हुए, ये फर्स्ट वाला चश्मा दिखाई दिया गया है, वो है सिर्फ 3D वाली मूवी मिल जाएगी। अभी हम लोग देखेंगे मूवी, तुम लोग आगे देख लो भाई, व्यू देख लो, तुम्हें सब काला दिख रहा कुछ नहीं, पूरा थिएटर का व्यू देख लो पीछे तक, बंदे तो बहुत आए हैं लेकिन इतने नहीं, हमको यही सीट मिली भाई, बैक सीट तो मिली नहीं, किस्मत ही नहीं अपनी भाई। भाई मूवी स्टार्ट हो गई है, क्राउड देख रहे हो, खतरा खतरा, ओ हो भाई भाई मस्त मस्त, ओ भाई साहब, भाई भाई तुम लोग देख रहे हो। तो हाँ भाई, तो रूम में आ चुके हैं अपन लोग, तो रात हो गई है, कुछ काम था रास्ते में इसलिए मैं कुछ भी क्लिप रिकॉर्ड नहीं कर पाया। तो मैं इससे पहले कुछ भी बकवास मार तुम्हारे पर, तुम लोग ये सीन देखो भाई, तुम लोग एक बार ये सीन चेक करो, तुम लोग कितना धांसू है सीन, ये बात चेंज यार भाई, चेंज यार सुना है कि एक माँ सबसे बड़ी योद्धा होती है भैया, ये बोंडा ने ये साबित कर दिया है, उस अकेले ने अपने बच्चे को पाने के लिए पूरे मल्टीवर्स की माँ समझ के तुम लोग क्या कर दिया उसने। लेकिन तुम ये वाला सीन देखो, फिर तुम देखो भाई क्या एक गदर लेवल की मजा रखी है इसने। इन्हें हमेशा प्यार मिलेगा, ये डार्क होल मैंने खोला था, बंद भी मैं ही करूंगी। सीरियसली ये जो सीन तुमने अभी देखा, इस सीन में मैं बाकी बहुत इमोशनल हो गया था, क्योंकि वो एक माँ जैसी भी थी। अगर तुम लोग इस सीन से देखोगे तो मेरा तो व्यू पॉइंट यही था, मैंने इसी बेसिस मूवी को देखा। अब तुम लोग इस किस वे से देखते हो तो बताना मुझे। तो अगर ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर जरूर से कर देना यार, कहीं से नया तो सब्सक्राइब भी कर देना, तो मैं ऐसे ब्लॉग और भी देखने को मिलने वाले हैं। और अगर तुम लोग ये मूवी देखने जा रहे हो तो भाई सिर्फ थिएटर्स में देखना, ऐसा का वेट मत करना कि आप मेरे तो तब देखोगे, जाके थिएटर्स में तो तुम्हें बहुत मज़ा आएगी भाई, पिक्चर मज़ा देती है, मज़ा बहुत आई। तो मिलते हैं तब तक अपनी अगले अलग ही, बाय बाय, टेक केयर। मैं भी चला मुझे ब्लॉग अब भी पोस्ट करना भाई।